आप सभी का स्वागत है प्लांट्स एंड फ्लावर्स में। आज मैं आपको अडेनियम ओबेसम और अडेनियम अरेबिकम के बारे में बताऊंगी, जिससे आप आसानी से पता कर पाएंगे कि कौन सा प्लांट अरेबिकम का है और कौन सा ओबेसम का है। देखिए, ये अडेनियम ओबेसम का प्लांट है। इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी, जिससे इसका कॉर्डेक्स काफी मोटा हो गया है और इसमें बहुत सारी नई नई ब्रांचेस भी निकल रही हैं। जो हम अडेनियम के ग्राफ्टेड प्लांट खरीदते हैं, वे अडेनियम ओबेसम के ही होते हैं। इसके फूल देखिए कितने सुंदर हैं। इसकी लीव्स पतली, बड़ी बड़ी और चिकनी चिकनी और बहुत ही शाइन कर रही हैं। ये प्लांट अडेनियम अरेबिकम का है। इसकी मैंने आज तक प्रोनिंग नहीं की है, लेकिन इसमें खुद ही ढेर सारी ब्रांच ग्रो हुई हैं। इसके फूलों का साइज अडेनियम ओबेसम के फूलों से थोड़ा सा छोटा होता है। देखिए, इस पर लीव्स बहुत कम हैं। कुछ ब्रांच पर तो डायरेक्ट ही फ्लावरिंग हो रही है। इसकी लीव्स थोड़ी मोटी होती हैं और ओबेसम की लीव से हार्ड होती हैं। अगर आप अडेनियम अरेबिकम की लीव्स टच करेंगे, तो आपको वेलवेट को टच करने जैसी फीलिंग आएगी। अरेबिकम में बिना प्रूनिंग किए हुए बहुत सारी ब्रांच निकल आती हैं। उसकी लीव्स हार्ड और लीव्स पर हल्के हल्के रोए होते हैं, जिसको देखकर और टच करके आप आसानी से अरेबिकम की पहचान कर सकते हैं। अडेनियम ओबेसम का कॉडेक्स बड़ा होने में बहुत ही समय लगता है। अडेनियम अरेबिकम का कॉडेक्स बहुत जल्द बड़ा हो जाता है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आप अडेनियम ओबेसम और अडेनियम अरेबिकम को एक साथ लगाएंगे, तो 3 साल बाद जब आप दोनों को देखेंगे, तो अडेनियम अरेबिकम का कॉडेक्स अरेबिकम से 2 गुना हो जाएगा और अरेबिकम का लुक भी बहुत सुंदर लगेगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।